भारतीय खेलों की अगर बात करें तो खेलों में मैदान में जितना नाम हम सुनते हैं खिलाड़ियों का, मेडल्स की बात करते हैं, जीत की बात करते हैं, जश्न मनाते हैं, तो मैदान के बाहर अरसों से, जितने सालों से मेरा एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं कि उतने विवाद भी होते हैं, उतने कॉन्ट्रोवर्सीज भी होते हैं। और अगर बात करें जब पीटी उषा जी आईओए की अध्यक्ष बनी तो लगा कि ये सब थम जाएगा और अब जो है खेल बिल्कुल सही दिशा में जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है। बरसों से कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। अब ये देखिए रिपोर्ट्स देखिए, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, सीएजी रिपोर्ट्स हैं, और पीटी उषा मैम हमारे साथ हैं इस वक्त जो कि आईओए की अध्यक्ष हैं। मैम ये हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पहले ऑडिटर बनना पड़ेगा पहले समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज द एंटायर मामला। आपने बोल रहा था ना ये पीटी उषा जी आ गया तो वो सीधा हो जाएगा, ऐसे ही सोचा था, बट ये तो सीधा से बहुत टेढ़ा हो गया। आईओ में बहुत तो मेस था पहले भी ना, तो वो सीधा करने के लिए तो एकदम एक दिन के अंदर तो मुश्किल होगा, तो टाइम चाहिए ना हमको, तो अभी दो साल हो गया तो हम अभी तो अभी सब हो गया, सब शुरू हो गया तो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल टेस्ट भी डन। यस, तो मैम ये सीएजी रिपोर्ट जो आई है सबसे पहले तो इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर टेक्निकली बात करें तो अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है मैदान में कि मैम ने हर्डल्स और कितने टाइम में रेस पूरी की, ये सब काम है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज आई है, ये सीएजी रिपोर्ट में कहा है कि जो पैसे जो थे उसका अप्रोप्रिएट यूज नहीं हुआ है कुछ 24 करोड़ रुपए का, ये क्या है, ये क्या हुआ? वो वाला अननेसेसरी एलिगेशन मेड ऑन मी ट्रेजरर सखदेव यादव। ओके, वो तो एक्चुअली 2022 पे वो दूसरा आईओए वाला वो राजीव मेहता एंड सहदेव यादव, आई थिंक बत्रा, नरेंद्र बत्रा, यस। उसी टाइम वो भी था, सहदेव जी भी था उसी टाइम, दे हैव गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू रिलायंस, बोथ रिलायंस एंड आईओए 35 करोड़ का। दैट टाइम एक्चुअली ब्रांडिंग एंड नेमिंग राइट एंड ऑल इट वाज देयर। ओके, सो अभी तो ये आईओसी वाला वो नॉर्म्स चेंज कर दिया, तो नेमिंग और नेमिंग राइट और ब्रांडिंग राइट नहीं दे रहा है, तो यो रीनेगोशिएट के लिए आ गया ये रिलायंस वाला, दे वांटेड रीकॉन्ट्रैक्ट, सो दे आर रेडी फॉर ओनली हाफ 17+ crores, एंड इफ नॉट, इफ आईओए नहीं, आईओए को नहीं चाहिए इंडिया हाउस ऐसे, तो नहीं ऐसे 17 और नहीं होगा ऐसे, और यू कैन हैव वन मोर ऑप्शन 2030 तक, इफ यू कैन कंटिन्यू 35 करोड़ ऐसे था। अच्छा। तो वो लोगों का विजिबिलिटी कम हो गया ना, इसलिए वो लोग कम कर रहा था, हमको कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं ऐसे प्रेसिडेंट में मेल भेजा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, तो वो आंसर नहीं दिया, फिर वो कल्याण छापे था एक्टिंग सीईओ उसी टाइम, वो भी मेल भेजा, तो वो स्पॉन्सरशिप का चेयरमैन था रोहित राजपाल, वो भी रिलायंस के साथ बैठ के बात किया था, ये सब कुछ हो गया है, फिर तो सहदेव यादव क्यों बोल रहे, उसको मालूम है मैंने सब कुछ किया, कैसे ऐसे बोल सकता है, ये तो एलिगेशन लेके आ रहा है मेरा डिफेम करने के लिए, मेरा नाम और आईओए का नाम, बिकॉज उसका नाम में एलिगेशन है सीएजी का 1.75 crores का, वो अभी उसका वेटलिफ्टिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट ना, वो ट्रेजरर भी था पहले, वो 2010 और कॉमनवेल्थ टाइम आईओए वेटलिफ्टिंग वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को 1.75 crores रुपीस दिया था वो डोप, अदरवाइज दे हैव बैंड। ओके, इसलिए वो इट्स ए पेनाल्टी नो, लाइक वी शुड पे मनी, तो अब वेटलिफ्टर एसोसिएशन के साथ मनी नहीं था, सो आईओए पे किया एज ए लोन, वो अभी तक हम आ गया था उसी तक वो बैलेंस शीट में मनी था, सो सडन इट डिसअपीयर्ड विदाउट नॉलेज ऑफ मी, फाइनेंस कमिटी ने निकाल दिया हो, वो तो अभी सीएजी ने फाइंड किया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, है ना, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है कि रिलायंस के साथ, जैसे कि मैम ने कहा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ आईओए और रिलायंस के बीच, और सडनली आईओसी ने कहा कि आप जो इंडिया हाउस बना रहे हो उसमें रिलायंस हाउस नहीं, इंडिया हाउस करोगे, अब रिलायंस का नाम कहीं नहीं होगा, मैं जो समझ पा रहा हूँ ऐसा ही हुआ। और जब ऐसा हुआ तो रिलायंस के जो सेल्स के या मार्केटिंग या ब्रांडिंग की जो टीम थी वो आईओए से संपर्क साधती हैं पीटी उषा मैम से या सीईओ से, और कहती हैं कि हम इतना पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम अपना नाम ब्रांडिंग में नहीं लगा सकते, इंडिया हाउस लगाना पड़ेगा। और अब सीएजी ने जो फाइंडिंग की है उसमें कहा कि आपने इसको रीनेगोशिएट करना था या जो भी था, तो जो उन्होंने पैसे कम किए मैम वो क्या था, मतलब उन्होंने क्या बोला ना, उसका ब्रांडिंग का रूल चेंज कर दिया आईओसी ने। हाँ,
इसलिए वो लोग बोल रहा था 35 क्रोर्स पहले किया वो नहीं कर पाएंगे जी, तो इसलिए आधा के लिए बोल रहा है नहीं, इफ यू डोंट वांट तो नहीं। तो सीएजी को क्या प्रॉब्लम है, सीएजी ने क्या किस उस पे पॉइंट उठाया कि ये कैसे, ये आपने जिस जितना आईओए जो आपने जो इंडिया हाउस बनाया तो आपने उनको फिर रिलायंस को क्या ऑफर दिया आपने? ना ना से, वो 17 क्रोर्स बोल रहा है आधा, हाँ। तो बोला वो पहले 35 क्रोर्स का डील था, हाँ। वो तो कम हो गया ना, हाँ। वो ही उसे बारे में बोल रहा था कि अच्छा ये यहाँ पर वो ठीक नहीं हुआ, ये 35 क्रोर्स का ही डील होना चाहिए था, हाँ। लेकिन आपने तो और आईओसी चेंज कर दिया ना रूल्स, इसीलिए ऐसा हो गया ना। बिल्कुल, लेकिन आपकी टीम ने उनको क्या ऑफर किया कि मतलब क्या 17 प्लस आधा, हाँ। और उसके अलावा आपने बोला कि जब आपका नाम मैंने किया, मैंने भेजा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को लेटर भेजा ऐसे ऐसे हो रहे हैं, अच्छा। तो सेक्रेटरी एक्टिंग सीईओ था कल्याण जी, वो भी भेजा है इसी मेंबर को क्या करना है बोल के। तो जो ये जो आपने जो लेटर भेजा है तो आपने ओलंपिक्स के अलावा कुछ और प्रॉमिसेस भी किए कि आप इन गेम्स में भी अपना नाम यूज कर सकते हैं, इस तरीके की कोई चीज भी? हाँ, नाम राइट दिया था पहले, हाँ। इंडिया एयरलाइंस हाउस बोल के पहले, अच्छा। हाँ, और बहुत ज्यादा ब्रांडिंग का भी परमिशन था पहले, राइट। बट अभी बहुत कुछ कम कर दिया, लेकिन यूथ ओलंपिक्स और एशियन गेम्स आगे के लिए 2028 तक था, हाँ। उसका राइट तक है, एशियन गेम्स पता नहीं 6 करोड़ है ऐसे, 6 करोड़ ओलंपिक का 6 करोड़ बोल के 2028 तक 35 करोड़ ऐसा था। ये समझने वाली बात है, अगर ओलंपिक गेम्स की वैल्यूएशन 6 करोड़ है तो आप यूथ ओलंपिक गेम्स की वैल्यूएशन 6 करोड़ नहीं हो सकती है, लेकिन ऑडिटर्स ने शायद इस बात को ध्यान नहीं दिया जो मुझे समझ में आ रहा है। आप अगर एक चीज, अब मैं टीवी के हिसाब से बोलूं, रात के 9 बजे के शो की जो वैल्यू होती है वो दोपहर के 12 बजे से ज्यादा एड रेट्स होते हैं रात के 9 बजे के, उसी तरीके से ओलंपिक के एड रेट ज्यादा होंगे और यूथ ओलंपिक गेम्स के कम होंगे। लेकिन सीएजी ने, ऑडिटर ने कहा हर एक के ओलंपिक के ही रेट से आपको जाने चाहिए थे पैसे, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होगा ना, हाँ। ओलंपिक तो दूसरा रेट होगा, एशियन गेम्स का दूसरा, हाँ। ये सीएजी, लेकिन विंटर गेम्स है तो कोई इंडिया है नहीं वहां पे, है नहीं, हाँ। ऐसे होता है ना, हाँ। तो लेकिन सीएजी का मानना है कि सब में बराबर ओलंपिक जितना आपको देना चाहिए था, ये एक जो है खामी यहाँ पर सीएजी ने निकाली है, जो कि शायद इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, यानी कि गलतियां हैं, जिसमें जरूर बातचीत होगी। लेकिन मैम एक बात यहाँ पर ये उठती है कि आपने लेटर भेजा लेकिन आपने फिर से टेंडर क्यों नहीं मंगवा लिया, आपने बोला चलिए हम इसको नल एंड वॉइड करते हैं, ये नहीं हो रहा, आईओसी ने रूल चेंज कर दिए, लेट मी कॉल फॉर न्यू टेंडर। 2024 ओलंपिक्स के लिए 22 में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दो ईयर पहले, तो 9 मंथ्स में ये न्यू टेंडर करके कितना टाइम नहीं है ना करने का ज्यादा, तो बहुत कुछ काम पेपर वर्क सब कुछ करना है, तो ये लोग पहले सब कुछ शुरू में करके रखा था ना, ये तो एक दिन का अंदर तो नहीं होगा आईओसी से बात करके सब, तो टाइम नहीं था 9 मंथ्स पहले ना, तो हो गया। ओके, इसीलिए ठीक है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये हम खेल और खिलाड़ी वाले जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अब पढ़ना पड़ता है क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाए तो हमें जानना पड़ता है। लेकिन मैम हम देख रहे हैं कि 12 जो लोग हैं आपके अगेंस्ट, इट्स 1-12 हो रहा है, जो इसमें ज्यादातर खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स थे जो यहाँ पे नॉमिनेट हुए और जो वो आए, वो क्यों आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ट्रेजरर क्यों आपके अगेंस्ट बोल रहा है, जिन्होंने इस पूरा कॉन्ट्रैक्ट को किया इस डील में, जब सबसे बड़ा रोल जिसका था वही आपके अगेंस्ट बोल रहा है, सहदेव यादव ट्रेजरर, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, हाँ। वो इसी मेंबर वो भी है ना, उसको हम मेल भेजा था, मैंने बोला ना ये कर बोल के, ये ऐसे हो रहा है बोल के उसको मेल भेजा था, ये सब इसी मेंबर को, उसको पता है फिर क्यों बोल रहा है, नहीं है तो उसका नाम से भी सीएजी के ऑडिटिंग का प्रॉब्लम है ना, 1.75 करोड़ का, इसीलिए वो इसलिए मेरा नाम उठा के पता नहीं वो ड्रा कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं आपको शील्ड बनाने की बाहर मेरा नाम थोड़ा डिफेम करने का और आईओए का नाम डिफेम करने का कर रहा है, उसका नाम पहले आ गया है ऐसे, तो वो ऐसे कोशिश कर रहे हैं। बट स्पोर्ट्स पीपल में भी वंडर है मेरे, मैं ज्यादा आप देखो, आपको भी देख सकता है मैं क्या क्या किया है सब, आईओए कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट, मैं कोई दूसरा गलत से नहीं किया कुछ ऐसे अकेले, बट ये अगेंस्ट है तो पता नहीं वेयर आई डिड रॉन्ग, टेल मी किधर मैं रॉन्ग कर रहा है, तो मैं ठीक से कर रहा है ना, तो क्या किधर रॉन्ग है, बट आई डोंट नो, वो तो स्पोर्ट्समैन मैं शरत है मेरी कॉम है, बट पता नहीं दूसरा स्पोर्ट्स पीपल वो दूसरा का साथ हो गया, मेरे लिए भी थोड़ा फीलिंग है, हाँ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑन एनीथिंग, बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उनमें से एक पॉइंट ये है कि इस पर मैं आखिरी बात,
इस रिपोर्ट का क्या आपको जवाब देना है, एक्सप्लेन करना है? बट कब... उसमें स्पोर्ट्समैन में एक देखो एक रेसलर आ गया है, एक रेसलर स्पोर्ट्समैन है तो उसको स्की स्नोट बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए आई डोंट अलाउ because I also don't know what is ski snowboard more. Right. So wrestler, whether he knows, but better to give chance for the those who know about the ski snowboard. Hmm. No. तो ऐसे मेरे से against होगा. इसमें example दे रहा है. Right. समझ गया. ऐसा सबको ऐसे कुछ कुछ तो होगा. बिल्कुल. तो मैं इसलिए मैं बोल रहा है मेरे लिए ठीक से मैं करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. बिल्कुल. लेकिन मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस रिपोर्ट का जो CAG रिपोर्ट आई है, ये जो बोल रहे हैं इस तरीके के जो observations हैं, क्या इनका जवाब देना है आपको? क्या you have to answer this? मैं तो सब answer मेरे लिए पूछ रहा है ना. वो काम सब दे दिया, दे दिया. अच्छा answer दे दिया. हमको hide करने के लिए कुछ नहीं है. ठीक है. दे दिया. तो सब दे दिया. तो इसके बाद next step क्या है इसका? यहाँ पर क्या होगा? तो reply करेंगे ना. They will write to you. Whether they satisfied or not. Okay. They will write to us. And इसमें treasurer भी पूरी तरीके से involved हैं और इसमें सब पूछ जो 12 लोग जो आपके खिलाफ सबको मालूम है. सब सबको इसी मेंबर को हम लेटर भेजा था. तो ये भी मेरा लेटर भी है. हाँ. एक्टिंग सीईओ का लेटर भी है. अच्छा. वो तो हाइड करके नहीं, मेल पे है. नहीं, ये बड़ा बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि कैसे एक ट्रेजरर खुद अपने प्रेसिडेंट पे इल्जाम लगा रहा है जबकि खुद उन्होंने इस डील में इतना अहम रोल अदा किया है, या कहें कि उन्होंने ही किया है और पूर्व जो अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा उनके साथ मिलकर. लेकिन मैम एक जो एलिगेशन आपके खिलाफ एक लेटर उन्होंने IOC को भी लिखा, क्या ये एक रीजन हो सकता है जिस वजह से सब आपके अगेंस्ट हो गए कि बहुत ऑटोक्रेटिक है PT Usha, अपने आप डिसीजन लेती है, किसी से पूछती नहीं है? तो क्या इस तरीके का एक वो था कि आपने किसी से पूछा? मैं ऑटोक्रेटिक नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक है, वो लोग ऐसी. अच्छा. तो देखो मैं अभी स्पेशल मीटिंग बुलाया ना, AGM बुलाया है. हाँ, तो सबके मैं कुछ नहीं कर रहा है, बोला है सब डिसाइड करो क्या है, ये क्या क्या एजेंडा, इतना इतना एजेंडा है सबके लिए. तो सबने ये सोचा कि अंदर ये सोचा कि पीटी उषा आई है और हम जो बोलेंगे वो कर देंगी वो, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, वो लोग सोचा. रेलवे का काम किया था. हाँ. मैं भी सीनियर ऑफिसर में था रेलवे में. उसके बाद मैं 2022 में मैंने अपना स्कूल शुरू किया है. बच्चा लोग अच्छा कर रहा है. उसके बाद इधर आ गया था. मैं 1977 से लेके अभी तक मैं स्पोर्ट्स में हूँ. मेरे को मालूम है क्या है स्पोर्ट्स में, क्या कर रहा है, क्या अंदर है बाहर का चल रहा है, मेरे को ठीक से मालूम है. वो लोग ऐसे सोचा होगा. बट वॉट एवर इट मे बी आई ट्राई टू टेक विद देम टुगेदर, बट पता नहीं हो ऐसे ही हो रहा मेरे को. मैं तो ठीक से बताता है लोगों को, बट एक ही प्रॉब्लम है हमारे लिए. देखो ओलंपिक्स में 4 कार्ड है, तो अक्रेडिटेशन कार्ड है, तो 4 कार्ड भी इसी को देने के लिए बोला तो मेरे लिए मुश्किल होगा. तो मैं वो कार्ड तो मैं प्रेफर करता है एसोसिएशन वालों को देने के लिए, बिकॉज दे शुड एनकरेज देयर स्टूडेंट्स. तो ये सब ये लोगों को अगेंस्ट होगा ना, ये लोग को चाहिए तो मेरे को क्या कर सकता है. अच्छा. आपने मतलब वो आपने आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपने वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं किया, मतलब वो कार्ड एक्सपेक्टेशन फुलफिल तो कैसे होगा? तो हमको पैसा टिकट परचेज करके दे सकता है, बट कार्ड तो हम देना है फेडरेशन वाला को, बिकॉज वो लोगों का बच्चा लोग पार्टिसिपेट कर रहा है. दे शुड एनकरेज ना. They should encourage, which I prefer association people. Right. But they don't want, they want, that and all is the allegation on me. Correct. That is why I am not matching with this people. Yes, yes. क्या आप किनसे, किसी से सहदेव यादव से आपकी बातचीत हुई है कि ये क्या allegations है, क्या, have you had a word? नहीं, बात नहीं की, क्या बात करने, क्या, मैं, no बात. हाँ. Allegation में क्या बात करना है, मैंने कुछ नहीं किया, तो everything is there in writing, so. तो 25th को आपने जो अक्टूबर 25 अक्टूबर को AGM है और बहुत अहम AGM होने वाली है, तो उसमें क्या फैसला होगा? क्योंकि एक कहा जा रहा है कि आर या पार, हिंदी में कहते हैं, मतलब इधर वेज, मतलब कोई जीतेगा कोई हारेगा, इस तरह की एक लड़ाई या एक फैसला सामने आ सकता है. सो 25th अक्टूबर AGM बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इम्पोर्टेंट भी है. मैं पहले भी एजेंडा बाहर आ गया है, सबको मालूम है. And everybody will be there, all IOA will be there. And I think everybody can see also. And everybody can select which way you want to go. You want to go and clean way or you want to go problem way. People should select. नहीं, जैसे आपने रघु अय्यर को वो किया है,
अपॉइंट किया है, तो उनके अपॉइंटमेंट पे भी उस दिन बात होगी कि क्योंकि वहां पे रेटिफाई करना या उस तरीके की भी चीज होगी मैम? पता नहीं, एक दिन आपने रेटिफिकेशन बोला, दूसरा दिन नहीं है बोला, दूसरा दिन बोलेगा सैलरी नेगोशिएशन करना है, और दूसरा मीटिंग में बोलेगा वो नहीं चाहिए, ऐसे कैसे होगा? ऐसे हो रहा है ना, पहले तो है बोल रहा है, ओनली सैलरी प्रॉब्लम बोल रहा है, दूसरा दिन ठीक है सैलरी है तो नेगोशिएशन कर सकता है बोल के लेके आ रहा है, फिर तो बोल रहा है नहीं वो नहीं चाहिए बोल रहा है, ऐसे हो रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। राइट राइट, कहीं ना कहीं एक बात तो है कि बट लकली ओनली वन एंड ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिक्वायर। ओके, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, अभी तक मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया बिकॉज़ दे डोंट अलाउ मी टू डू द वीडियो रिकॉर्डिंग इनसाइड, दे डोंट अलाउ मी टू कॉल समबडी फ्रॉम आउटसाइड टू नोट मिनट्स। अपना अपना सब कुछ अपना करना है लोगों को, अपना दूसरा दिन अपना अपना क्या क्या है ऐसे करके मिनट लेके आना, दे डू ले दैट, दिस ऑल आई एम अगेंस्ट। राइट, एंड उसी दिन तो वीडियो रिकॉर्डेड अपॉइंटमेंट है उसका। वीडियो रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट मतलब जो इंटरव्यू हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं नहीं, नॉमिनेशन का मतलब क्या? अच्छा, इसी मीटिंग हो गया था, इसी मीटिंग हो गया था। अच्छा, उसका सीलेक्टर रेटिफिकेशन करना था ना। हाँ हाँ हाँ, वो वीडियो रिकॉर्डेड इसी मीटिंग था। ओके ओके ओके, उसमें सब कुछ है, क्या हो गया है सब कुछ है। ओके, फिर उसके बाद ये लोग सब चेंज कर रहा ना, तो कैसे ऐसे होगा? तो बाकी एसोसिएशंस का क्या वो है रिस्पॉन्स है इस पूरे मामले को लेकर आपके साथ? अभी उस मामले पे आप बात नहीं करना चाहते होगा? 25 मैं एक्चुअली आज आ गया है, इसको मेरा नाम से अननेसरी एलिगेशन ना, लेकिन सो टू क्लेरिफाई। ओके ओके, लेकिन इसका हाँ, लेकिन ये 25 अक्टूबर को भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और एक बात तो तय है पीटी मैम कि आप को उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। ये सब तरफ ये खबरें है ना, जैसे आयोग के गलियारों में होता ना कि किसी ने सोचा नहीं था शायद कि पीटी उषा जो है इतनी स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर निकलेंगी, और आपको बता दिया 1977 से जो है लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को भी वो देख रही है, चाहे वो एक यंग एथलीट की तरह हो और उसके बाद आफ्टर एथलेटिक्स की बात करें। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आईओसी को लेटर लिखना, ये इस तरीके से जो घर की लड़ाई जो बाहर जा रही है मैम, इससे कहीं ना कहीं बदनामी तो पूरे देश की हो रही है और आईओए की भी हो रही है। हम ओलंपिक्स करवाने की बात कर रहे हैं, तो ये इस बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, उसको भी फीलिंग हो गया वो। हाँ, ये तो सिंपल वो भी ना नहीं वो भी है ना, बिकॉज़ ही इज आल्सो वंडरिंग आईओए वाला आईओसी वाला ओसीए मीटिंग हुआ था ना इधर, दैट टाइम इनफॉर्मली ही कॉल्ड एवरीबॉडी। ओके, तो वो लोग पूछ रहा था क्या प्रॉब्लम है आपको सीओ का, तो जरूरी है 2 महीने से अभी 2 ईयर हो गया तो क्यों क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको पूछा था इसको ये लोगों, तो बोल रहा है सैलरी बोला था, तो बोलो ये क्या है सैलरी, तो इट हैज टू बी कॉर्पोरेट सीओ, कॉर्पोरेट सीओ सम we should give him some respectable salary, yeah, तो yes, देना ही है। Correct. वो तो बोला, तो फिर भी आपको negotiation कर सकता है, मैं भी उसे बात किया था, मेरे को वो थोड़ा अच्छा ठीक है मैं भी फील हो रहा है, तो आप negotiate करो ऐसे बोल दिया ही वो आईओसी वाला ने। Okay. तो बोला नहीं प्रेसिडेंट पीटी उषा पीटी ही कॉल्स मी पीटी पीटी यू कॉल एस अर्ली एस पॉसिबल ईसी मीटिंग। ओके, मैंने बोला ओके बट व्हेन इट कम्स टू ईसी मीटिंग ना, ईसी मीटिंग मेरे लिए इट्स ए इमरजेंसी मीटिंग ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ सैलरी ऑफ रेगुलर। राइट, बट मेरे को एजेंडा लेके नहीं अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो 14 एजेंडा दूसरा लेके आ रहे हैं, क्या क्या है इमरजेंसी में एकदम यही है, तो वो वंडर हो रहा है क्या हो रहा है, मैंने लास्ट वीक में ऐसे बोला ये क्या हो रहा है ये एजेंडा, ये लोग चेंज कर रहा है ना वर्ड्स। मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो मेरे को बहुत फील हो गया, तो मैंने बोला जरूर मैं बंद करने के लिए कुछ जा रहा है, मैं नहीं बात नहीं करेगा क्लोज, नहीं बोला वो बोल रहा है नहीं मैं बात करूंगी ऐसे बोल के शुरू कर दिया, बट ये लोग एजेंडा लेके मुश्किल कर दिया मेरे को। इतनी सारी बातें यहाँ पर हो रही है आईओए में, वाकई में जो है हाउस इन ऑर्डर तो नहीं है ये, मतलब वो एक बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स, वहाँ पे जो है पॉलिटिक्स बहुत चलती है, एक दूसरे को गिराने की जो कवायद वो चलती रहती है, तो आईओए भी एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह दिख रहा है। मैम एक दो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके
डे टू डे फंक्शनिंग में ये जो इतना सारा जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको फंक्शन करने में? डे टू डे इसमें बहुत प्रॉब्लम है ना, तो बहुत प्रॉब्लम डे टू डे में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इधर। हमारा पेरिस ओलंपिक का टाइम लोग जा रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा सपोर्टिंग स्टाफ हम भेज रहा था प्लेयर्स को हेल्प करने के लिए, फिजियो स्पोर्ट्स साइंस का बहुत अच्छा लोग है ना, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर्स है, right. साइंटिस्ट सब लोग हैं, तो हमको वॉट एवर वी प्रोमिस्ड वी कुड नॉट गिव, राइट, बिकॉज वी रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट टू डू दैट, बट गवर्नमेंट कैन गिव ओनली गवर्नमेंट नॉर्म्स ना, वॉट एवर वी कुड वी प्रोमिस्ड वी कुडंट डू, बट दे हेल्प्ड अस। एंड इन आईओए में एक्चुअली ये प्रेसिडेंट के साथ ट्रेजर तो जरूरी साइन करना है सैलरी मिलने के लिए, तो प्रॉब्लम्स था, मैं बहुत प्रॉब्लम था, मैं एक चाय दे रहा है ना, एक 35 ईयर सर्विस है उसका टर्न ओवर हो गया, तो मैंने 6 महीने उसको एक्सटेंशन दिया, पर्सन तो दे सकता है, ओके, एक्सटेंड दिया, वो 5 मंथ्स हो गया, वो पुअर वो उसको भी सैलरी में नहीं कर पाया, वो तो सही नहीं कर रहा है, तो और मेरा ये के तो आपको वो सब मालूम है, ये के सैलरी 8 महीने नहीं है, सीईओ का सैलरी 9 मंथ्स नहीं दे रहा है, तो बहुत वेंडर्स है देने का वो नहीं दे रहा है, क्या बहुत कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था स्पॉन्सर से, कॉन्ट्रैक्ट में वो लोगों का भी होगा ना देने का, वो पैसा भी सैंक्शन नहीं दे रहा है, मीन्स मेरा साइन से वो नहीं कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है, तो बहुत मुश्किल है इसे चलने के लिए ना, इंस्टीट्यूशन है तो करना ही है कुछ, ऐसे नहीं कर पाए पेंडिंग करके, और एक वेबसाइट भी बंद हो गया था, ईमेल भी बंद हो गया था, ये सब कुछ ये प्रॉब्लम है ना IOC से, बट अभी ठीक हो गया। एग्जैक्टली, तो मैम ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या मैं बहुत सारे सवाल हैं, लोग बहुत विनेश के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं उस बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 2 साल हो गए हैं, टर्म आपका बचा हुआ है, इस वॉर को आप जीतेंगे, आपको आप, 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 आपका क्या वो है इस पर कि फिर से सब चीज़ें, क्योंकि आपको आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में आके प्रेसिडेंट बनने का मेन आइडिया वॉज कि इंडियन स्पोर्ट्स आगे जाए PT उषा के कैप्टनसी में, तो वो आप इस पूरे इंडिया के कैप्टन हो, तो उस तरीके से आप इस पूरे कंट्रोवर्सी को आप किस तरीके से खत्म करके आगे बढ़ने की सोच रहे हो? मैं आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, मेरे लिए मैं जीतने के लिए कोशिश कर रहा है, मैं स्पोर्ट्स में भी ऐसे था, मैं काम शुरू हो गया तो एंड में पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे भी इसमें आ गया है, मेरे को पसंद नहीं आने का, बट समय रहता मैं तो इधर आ गया, तो क्या आप रिग्रेट कर रहे हो प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स छोड़ गया? मैं कोशिश करूंगी ठीक करने का 100%, मेरे को ये स्पोर्ट्स में बहुत पैशन है, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स सीधा लेके आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है मैं, तो ये IOA ठीक हो गया तो इंडिया में स्पोर्ट्स अच्छा होगा 100%, और इसकी जिम्मेदारी आप पे, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बातचीत की और हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा और भारतीय स्पोर्ट्स भारतीय खेल जो है वो सही पटरी पे लौटेगा, क्योंकि हमें ओलंपिक्स पर भी हमको करवाने पर नजर है, तो अगर हमें 2036 में ओलंपिक्स करवाना है, वो तो क्या क्या इधर हो रहा है अभी वो प्रॉब्लम नहीं, हम तो उससे बात कर रहे हैं, हाँ। भी बात किया उस कमीशन से, अच्छा तो हाँ, तो वी शुड नॉट लेट इट गो डाउन बिकॉज़ इट्स अ राइट ऑफ आवर राइट right. चलो ऑल द बेस्ट PT मैम, आपको आपने जिस तरीके से स्पोर्ट्स में जो कमाल किया है, आई होप कि ये सारी कंट्रोवर्सीज में आप जीत हासिल करके आगे बढ़ोगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।